क्वेश्चन आता है, ये है रूट लोकस के जस्ट बाद खत्म होने के बाद, ठीक है, और ये रिलेटेड है उससे, ट्रांजिएंट वाले से रिलेटेड है, ठीक है। ये ब्लॉक डायग्राम है और ये किसका है, ये एक टैकोमीटर टाइप और रेट रेट फीडबैक टाइप का फंक्शन है, ठीक है। टैकोमीटर फीडबैक है या फिर डेरिवेटिव या रेट फीडबैक, ठीक है। अब ये कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ ए सच दैट परसेंटेज एमपी इज 15%। अब इसमें सिर्फ एक अननोन है, वो है ए। उस ए की वजह से सब कुछ चेंज होगा बेसिकली, ठीक है। इस ब्लॉक की वजह से इसमें ए डिजाइन करना है, सोच सो दैट कि परसेंटेज एमपी कितना है, 1.5%। अब आपको क्या करना है, ये ब्लॉक डायग्राम लिया, अब इस ब्लॉक को सॉल्व करा, सो जी एस बाय 1 + GS HS, ठीक है। अब जी एस एच एस लेना है तो ये गलती हो जाती है कि आप ए एस को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हो, ए एस जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा जी एस एच एस, तो 16 AS होगा, ठीक है। ये गलती ध्यान रखना बस। तो जी एस बाय 1 + GS HS इज इक्वल्स टू, ये सिंप्लीफाई करके ये आया, ठीक है। सो ये ब्लॉक ये बन जाएगा, सो ये ब्लॉक यहाँ पे दिखा दिया, फ्री वाली फीडबैक होगी दूसरी, ठीक है। नाउ अब क्या होगा, उसने क्या कहा, फर्स्ट पार्ट में परसेंटेज एमपी 1.5%, सो यानी कि 0.20 पीछे, यानी कि 0.15। सो 0.015 का मतलब जीटा कितना होना चाहिए, 0.8 निकल के आया, ठीक है। सो जीटा 0.8 होना चाहिए, नाउ जीटा 0.8 होना चाहिए। इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाओ, ठीक है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई, सो दिस ये प्लस ये इज इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इन्यूमरेटर यहाँ प्लस कर दोगे तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा। सो यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर ये प्लस ये इज इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो अंडर रूट 16 यानी कि 4 रेडियन क्या हो गया, ये हो गया आपका ओमेगा एन, 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल्स टू 2 × जीटा कितना है, 0.8 इंटू 4 रेडियन इज इक्वल्स टू दिस, इसका कोफिशियंट 4 + 16 है। तो ए कितना आया, ए आया आपका 0.15। नाउ अब आपको देखना है ये कौन सा सिस्टम है, ये सिस्टम आपका है टाइप वन सिस्टम। 16 AS होने के बाद अभी जब ये मल्टीप्लाई होके ये सब कुछ बन गया, अब भी ये कौन सा सिस्टम है, एस एस यहाँ भी है यहाँ भी है, सो ये अब भी टाइप वन सिस्टम है, ठीक है। टाइप वन सिस्टम ऑर्डर टू सिस्टम, सो इसलिए रैम्प इनपुट के लिए पूछ रहा है। सो ई एस एस फॉर रैम्प इनपुट, अब मैं विदाउट ए एस ब्लॉक लूंगा, तो ए एस ब्लॉक नहीं है, ये नहीं है, तो सिर्फ ये और ये वाली फीडबैक होगी, सो ये ब्लॉक डायग्राम बनेगा, ठीक है। नाउ मेरे को क्या देखना है, ई एस एस, ई एस एस क्या होगा, लिमिट एस टेंड्स टू 0 SRS/1 + 1 + वॉट जी एस एच एस, ठीक है। नाउ आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, ई एस एस इज इक्वल्स टू 1/kV, ठीक है। के वी कितना होगा, एस को भूल जाओ, अब गेन कितना है, 16/4, ठीक है। तो 1/16/4 यानी कि 4/16 यानी कि 0.25 यूनिट्स है, अगर ए एस नहीं है तो, ए एस ब्लॉक नहीं है तो। नाउ मैंने ए एस ब्लॉक लगा दिया और ए कितना लिया, 0.15 जो यहाँ पे निकल के आया, ठीक है, यहाँ पे निकल के आया। अब मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, ई एस एस उसने पूछा है विद एंड विदाउट ए, ए कितना आया, इतना आया 0.8 के हिसाब से, ए इतना आया 0.15, ठीक है भैया। नाउ आपको क्या करना है, अब आपको ए वैल्यू इसमें पुट कर दोगे पिछले वाले फंक्शन में, इसमें ए पुट कर देना वैल्यू 0.15, तो ये बन के आएगा, ठीक है। नाउ ई एस 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 के लिए निकालना है, अब ये भी टाइप वन सिस्टम है, तो 16/6.4 इसका होगा, सो ई एस एस कितना होगा, 1/16/6.4 यानी कि 6.4/16 यानी कि ये आंसर हो गया, ठीक है। नाउ ई एस एस कितना था विदाउट ए एस ब्लॉक, इतना, अब बढ़ गया, ठीक है। ए एस ब्लॉक लगाने के बाद ई एस एस बढ़ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि मैं सिस्टम में ऐसा क्या करूं कि मेरा जो एरर है, ए एस ब्लॉक लगाने के बाद भी, ए एस ब्लॉक लगाने के बाद भी ये जो एरर है ये इतने पे आ जाए। इसी सिस्टम का एरर ए एस ब्लॉक लगाने के बावजूद भी मेरा जो एरर है वो 0.4 से 0.25 आ जाए, ठीक है। और कंडीशन क्या है, कीपिंग एमपी वैल्यू कांस्टेंट एट 1.5%।
नाउ एमपी 1.5% रखना है, ये कंडीशन है, यानी कि जीटा 0.8 रखना है, जीटा 0.8 रखना है, यानी कि ए कितना रखना है, 0.15 रखना है। या फिर ऐसे सोच लो कि ये चीज़ है, ये इक्वेशन होगी। अब आपको क्या करना है, बेसिकली ये करना है, आपको एरर को कम करना है, ठीक है, 0.4 से 0.25 लेके आना है, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, गेन बढ़ाना पड़ेगा। गेन क्या है, गेन इज 16, 16 गेन, 16 को के रख दो, तो यहाँ के होगा तो यहाँ भी के होगा, ठीक है। सो ये चीज़ करनी है। और ए को कितना रखना होगा, ए को आपको रखना पड़ेगा 0.153, ठीक है ना। ये देखो, ये इक्वेशन बनेगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी, जीटा कितना रखना है, 0.8, ठीक है। तो ये बनेगी 2 इंटू जीटा इंटू रूट के इज इक्वल्स टू 4 प्लस 0.153 के। अब ये जो है, जीटा को 0.8 पुट कर दोगे तो के की दो वैल्यूज़ के लिए ये ट्रू होगा, ठीक है, के की दो वैल्यूज़ के लिए। एक के की वैल्यू तो पहले ही आ चुकी जो है 16, ठीक है, उसके लिए तो ट्रू है ही। एक और वैल्यू आएगी चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसलिए नाउ अब आपको क्या करना है, अब आपको ये काम करना है, ए को 0.153 ले लिया। अब मैं क्या लगाऊंगा, ये एएस ब्लॉक के बिना जो एरर था वो लिया, ठीक है। लिमिट एस्टेंड्स टू जीरो दिस, ये सिस्टम क्या है, टाइप वन है, ठीक है। और टाइप वन है तो एस को भूल जाओ, एस को भूल जाओ, इन दोनों एस को भूल गए नाउ। अब एस को जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा, 4 प्लस के 0.,4 प्लस के 0.,, ये आएगा। चलो लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, अगर इस तरह का कन्फ्यूजिंग हो ना, तो ये इस तरह का अगर कन्फ्यूजन हो, ठीक है, तो प्रॉपर फॉर्मूला लगाना, एस आर एस बाय 1 प्लस जी एस एच एस, ठीक है। अब ये एस यहाँ पे चला जाएगा और ये एस इंटू ये कट जाएगा, एस ये 1/s² एस से ये कटेगा, एक एस बचेगा, एक एस नीचे चला जाएगा। अब एस इसमें मल्टीप्लाई होगा तो एस प्लस एस इंटू दिस, तो एस इंटू दिस होगा तो ये एस और ये एस खत्म हो जाएगा। ये एस टेंड्स टू जीरो है तो ये खत्म हो जाएगा, तो इसमें एस टेंड्स टू जीरो रख दोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 4/4 प्लस के 0.15 बचेगा, ठीक है। और वो किससे कैंसिल होगा, मतलब सॉल्व करके ये आएगा 4 प्लस 0.5, फिर के इज इक्वल्स टू 40 आएगा। अब नाउ के इज इक्वल्स टू 40 होगा। अब आप चेक करो एक बार कि जीटा 0.8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जीटा 0.8 ही आपका आएगा, ये देख लेना, ठीक है। सो नॉर्मली जब आप गेन को इंक्रीज करते हो, ठीक है, ईएसएस तो गेन को इंक्रीज करते हो तो ईएसएस तो कम होता ही है, ठीक है, गेन को बढ़ाने से एरर कम होता है, इसलिए आपने ये सेम चीज़ करी। बट यहाँ पे आपको पता है कि गेन को बढ़ाने से जीटा नॉर्मली कम होता है, किस सिस्टम में, ये स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड है ना, ये टाइप वन सिस्टम है, ऑर्डर टू सिस्टम है, स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। तो स्टैंडर्ड टाइप टू सिस्टम में के को इंक्रीज करोगे जीटा डिक्रीज होता है, बट यहाँ नहीं हो रहा। गेन को आपने 16 से 40 कर दिया फिर भी जीटा 0.8 ही रहा, ऐसा क्यों, बिकॉज ऑफ ए एस ब्लॉक, चूंकि आपने ए एस ब्लॉक रखा हुआ है, ए एस ब्लॉक रखा हुआ है ना, इसलिए जीटा यहाँ पे कॉन्स्टेंट रहा, ऑल दो आपने गेन को बढ़ा के 16 से 40 कर दिया तब भी, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन करता हूँ एक, ठीक है, एक क्वेश्चन करता हूँ और अब मैं आपको बताऊंगा कि इस फीडबैक का टाइम कॉन्स्टेंट, ओमेगा एन, जीटा एंड स्टेडी स्टेट एरर, इन पे क्या फ़र्क पड़ेगा कि अगर मैं ये वाला फीडबैक लगा दूंगा तो। अब ये फीडबैक जो ये ब्लॉक है ये किस किस को रिप्रेजेंट कर सकता है, टैकोमीटर फीडबैक को भी इंडिकेट कर सकता है, या फिर रेट कंट्रोलर या डेरिवेटिव कंट्रोलर, ठीक है। तो इस टाइप का है, चाहे मेंशन ना करो, बट इसको लगाने से इफेक्ट क्या पड़ता है सिस्टम में, ओमेगा एन पे, जीटा पे, टाइम कॉन्स्टेंट पे और स्टेडी स्टेट एरर पे, वो आपको देखना पड़ेगा और वो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको क्या दिखाऊंगा, मैं एक स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम लूंगा। स्टैंडर्ड का मतलब टाइप वन ऑर्डर टू, टाइप वन है ना, ऑर्डर टू है इसका, ठीक है, ये सिस्टम मैंने लिया। अब मैं विदाउट पहले लूंगा, विदाउट चेक करूंगा कि ये जो चार वैल्यूज मैंने आपको गिनवाई उनकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सो नाउ
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई, ओमेगा एन निकाल लिया, जीटा निकाल लिया, टाइम कांस्टेंट निकाल लिया, ईएसएस रैंप इनपुट निकाल लिया, ये आया ठीक है। सो ये वैल्यूज़ आपने यहाँ लिख ली। फिर उसके बाद आपने टैकोमीटर फीडबैक लगाया, टैकोमीटर फीडबैक लगा के वही टैकोमीटर फीडबैक लिया मैंने 0.15 AS जो वहाँ पे था वही सेम चीज़ ठीक है। सो वो ट्रांसफर फंक्शन क्या आया था, ये आया था। सो यही सेम चीज़ ली मैंने, ओमेगा एन निकाला ठीक है, ओमेगा एन निकाला, जीटा निकाला, टाइम कांस्टेंट निकाला, ईएसएस रैंप इनपुट निकाला ठीक है। वहाँ ओमेगा एन 4 था, यहाँ भी 4 है। सो ओमेगा एन रिमेन्स सेम, आप चाहे टैकोमीटर फीडबैक या ये वाला फीडबैक ले आओ। जीटा कितना हुआ, 0.8 ठीक है। सो जीटा यहाँ पे कितना था, जीटा यहाँ था 0.5, जीटा क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। सो जीटा इंक्रीज्ड, फीडबैक लगाने के बाद जीटा इंक्रीज, टाइम कांस्टेंट डिक्रीज्ड। डिक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, कम टाइम यानी कि फास्टर, सो रिस्पॉन्स इज गेटिंग फास्टर। फिर ये लगाने से डेफिनेटली ये वाला फीडबैक कुछ लगाने का वो तो होगा ना, सो ये फास्टर हो रहा है ठीक है। फ्रिक्शन इंक्रीज्ड, फ्रिक्शन इज इंक्रीज्ड। सो फ्रिक्शन इंक्रीज कर गया तो रिस्पॉन्स एकदम से क्या करेगा, रीच कर जाएगा स्टेडी स्टेट वैल्यू को ठीक है। इस तरह से ध्यान रख लेना, नहीं ऐसे याद मत रखना। जीटा इंक्रीज कर गया एंड टी डिक्रीज। ईएसएस रैंप इनपुट ठीक है, रैंप इनपुट यानी कि एरर क्या हुआ, 0.25 से ये बढ़ के 0.54 आ गया। सो एरर इज इंक्रीज। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ना लगाने से और फिर लगाने के बाद क्या चेंजेस आ रहे हैं। ये सेम रहा, जीटा बढ़ गया, टाइम कांस्टेंट घट गया, स्टेडी स्टेट एरर बढ़ गया। ये चीज़ें पूछी जाती हैं ऑब्जेक्टिव में, पूछी जाती हैं चेंजेस क्या होंगे, ये आपको याद रखना है।